हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एचपी स्टडी सेंटर में। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे पेपर के, वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो है 2015 में पेपर हुआ था और ये जो है एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का पेपर हुआ था, उसमें पूछे गए क्वेश्चन थे। तो आज हम डिस्कस करते हैं ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि एचपी हाई कोर्ट के लिए और मैनी अदर एग्जाम जैसे कि सबऑर्डिनेट और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सेशन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि पटन वैली इज एसोसिएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ठीक है, जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौल स्पीति। ठीक है, तो लाहौल स्पीति जो है वो हमारा जो है वो सबसे बड़ा जो है ज़िला है अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज। ठीक है, जो सबसे छोटा है वो है हमीरपुर। ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन था फेमस फायरिंग एपिसोड ऑफ प्रोविंस धामी टुक प्लेस इन। ठीक है, प्रदेश की धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ था, वो हुआ था 1939 में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और ठीक है, ये बीच आपके यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि विच वॉज द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू बी इमर्ज्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऑप्शन ए महासू, बिलासपुर, बुशहर और कुल्लू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बिलासपुर। जो है वो बिलासपुर जो को है वो स्वतंत्रता के बाद जो है वो भारत में मिलाया गया था। आई थिंक 1954 में अलग हो गया था, पार्ट सी बन गया था ये, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो जनरल नॉलेज के बेस पे पूछा गया कि टिहरी बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये है उत्तराखंड में है। किस नदी पर बना है, ये बना है भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और यहाँ पे एक जगह है गंगोत्री, यहाँ से निकलती है गंगा। ठीक है, गंगा निकल के जो है वो चली जाती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जो उसका जो नाम है गंगा, वहाँ पे इन्हें गंगा के साथ नाम से नहीं जाना था, वहाँ पे इन्हें बोला जाता है पद्मा और ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं मेघना। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे अभी मना हुआ है क्वेश्चन कि हु इज़ द प्रेजेंट कैप्टन ऑफ द इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम, एंड द ऑप्शन इज द इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विराट कोहली। विराट कोहली को जो है इस साल का जो है आईसीएससी क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी दिया है। वो सबसे ज़्यादा रन इन्होंने ही बनाए हैं इस साल भी, लगातार तीसरी बार जो है वो इन्होंने लगातार सबसे ज़्यादा रन बनाए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो चुका है, पहले तो रघुराम राजन थे, उसके बाद आए उर्जित पटेल, अभी इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। तो अभी बने हैं शक्तिकांता दास, और ये जो है वो 25th जो है वो गवर्नर हैं। ठीक है, और जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन तो आई थिंक ये तो वही आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि द इंडियन डिफेंस मिनिस्टर इज भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो पहले तो थे मनोहर पारिकर, ठीक है, और अब हैं जो निर्मला सीतारमण। की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है कर्नाटका से, लोकसभा सांसद। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो ये आपको सभी को पता ही होगा, ये बैडमिंटन से जो है वो रिलेटेड है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात कितना है। तो वो है 2/3। इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज़ द रेलवे मिनिस्टर इन इंडिया, भारत के रेल मंत्री कौन है। ठीक है, पहले तो थे सुरेश प्रभु, बट अब जो है वो हैं पीयूष गोयल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इनके साथ इनका एक और जो है वो एक इन्हें एडिशनल चार्ज भी दिया गया है, वो है कोल मिनिस्टर का भी, कोयला मंत्री भी यही है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे पहले बोला है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, वो दिया था सारनाथ में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी खुशीनगर में। ठीक है, और ये जो है वो इनका वैसे जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे बोला गया है कि वातावरण में कौन सी गैस पैरा बैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। विच गैस इज़ द एटमोसफेयर गैस इन द एटमोसफेयर ऑब्जॉर अल्ट्रावर्ट, द ऑप्शन इज द आंसर इज ओजोन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है 20 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज, जो 20 अगस्त को किस रूप से मनाया जाता है, वो मनाया जाता है सद्भावना दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन ये रहा कि संसार में सबसे अधिक सोना किस देश से उत्पादित करता है, तो वो है साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सोना जो है पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान में भी तरल रूप ले लेती है। विच मेटल इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। द ऑप्शन इज मर्करी। ठीक है, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि द लॉ ऑफ मोशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी न्यूटन के द्वारा। ठीक है, गैलीलियो ने टेलीस्कोप की थी, और थॉमस एडिसन जो थे इन्होंने बल्ब की खोज की थी। आइंस्टाइन ने जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज। धरती पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, वो है हीरा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक जीके का क्वेश्चन पूछा है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है, वो है मुंबई में। ठीक है, और नई दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला, बेंगलुरु में है चिन्ना स्वामी क्या बोलते हैं स्टेडियम। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। भारत की इकलौती महिला राष्ट्रपति कौन है, वो है प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है, ये अगर पूछ लें कि भारत की सबसे पहले जो है वो महिला कौन थी जो सीएम बनी थी, वो थी सुचेता कृपलानी। और पूछ लें कि किस स्टेट की बनी थी, वो थी यूपी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और हमारा जो ये अगला क्वेश्चन ये रहा कि द इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट हु स्टेड इन स्पेस फॉर 6 मंथ इज। कौन सी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी जो अंतरिक्ष में 6 महीने तक रही, तो ऑप्शन इज सुनीता विलियम्स, और ये हरियाणा से थी। ठीक है, चीज़ आपको याद रखनी है। और जो किरण बेदी है ये फर्स्ट IPS ऑफिसर थी, अभी ये पुडुचेरी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, तो वो थे कम विश्वनाथ आनंद, जो कि चेस हैं और चेस खेलते हैं। ठीक है, अभी पूछ लें कि वर्ल्ड चैंपियन कौन है चेस में, तो वो है मैग्नस कार्लसन, वो है नॉर्वे से। अगर पूछ लें कि नॉर्वे की कैपिटल क्या है, तो वो है ओस्लो। ठीक है, और करेंसी है क्रोन। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं जो है अब तक रोज़ लेके आता रहता हूँ, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में बेनिफिट हो सके और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। अगर और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस भी कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो को जल्दी से एक्सेस कर पाओ। एंड एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।